आज से 12 साल पहले टीम इंडिया के हिटमैन और कप्तान रोहित शर्मा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक प्लेयर का जिक्र किया और कहा कि BCCI के अवार्ड्स में एक युवा शामिल है, उस पर नजर रखिए, ये धमाल करेगा। तब शायद कोई उस लड़के को नहीं जानता होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि रोहित शर्मा की बात सच हो जाएगी। तो आज के इस खबर में हम आपको उसी लड़के के बारे में बताने वाले हैं। सब्र का फल होता है, बचपन से ही ये बात हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितना सब्र और कितना इंतजार करे या करना पड़ सकता है, इसका कोई पैमाना नहीं है। जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं वो है सूर्य कुमार यादव। तब सूर्य कुमार यादव घरेलू क्रिकेट के एक स्टार थे। अब 12 साल के बाद वही सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं। यहाँ तक कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज भी कहा जा रहा है। सब्र का फल सूर्य कुमार यादव के लिए काफी मीठा निकला और यह एक सपने की तरह है जिसे वे इस वक्त जी रहे हैं और क्रिकेट फैंस इसका लुत्फ उठा रहे हैं। इंजीनियर का बेटा स्टार क्रिकेटर बन गया, उत्तर प्रदेश के गलियों से निकला। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले सूर्य कुमार यादव के परिवार में कोई क्रिकेटर बनेगा शायद किसी ने नहीं सोचा था। सूर्य कुमार के पिता अशोक यादव BARC में इंजीनियर थे, उनकी माता हाउसवाइफ थी। बचपन में सूर्य कुमार बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों ही खेला करते थे, फिर समय के साथ उन्होंने क्रिकेट को चुना। स्कूल क्रिकेट से शुरुआत हुई और उसके बाद चाचा की मदद से क्रिकेट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको मिलने लगी। जिस उम्र में अन्य क्रिकेटर संन्यास लेने की सोचते हैं, वहीं 32 साल की उम्र में सूर्य कुमार यादव ने अपना डेब्यू मैच खेला और सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले बल्लेबाज बन गए। जब सूर्य कुमार यादव ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेला तो उनके सामने थे विश्व के सबसे अच्छे गेंदबाज गिने जाने वाले जोफ्रा आर्चर। अगर कोई और बल्लेबाज होता तो वो उनके सामने अपना विकेट बचाने की सोचता, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने पहले ही बॉल में छक्का मार दिया और दिखा दिया कि वे सबसे बेस्ट हैं और अपनी डेब्यू मैच में पहली बॉल पर छक्का मारने वाले पहले खिलाड़ी बने। सूर्य कुमार यादव ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2010 में की। क्रिकेट की दुनिया में सूर्य कुमार यादव को असली पहचान मिली IPL से। सूर्य कुमार यादव अपने छोटे से करियर में बड़ा नाम हासिल कर चुके हैं। आज ये असाधारण बल्लेबाज भारतीय मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी जैसा है। अगर क्रिच पर सूर्य कुमार कुछ समय के लिए टिक जाते हैं तो विरोधी टीम से मैच इतनी दूर लेकर निकल जाते हैं कि मैच उनको वापस मिल नहीं सकता। घरेलू क्रिकेट की बात करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव खेलते दिखे हैं। वो IPL में मुंबई इंडियंस और KKR की तरफ से भी खेल चुके हैं। आज 2023 में भारतीय T20 टीम के प्रमुख बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव। क्रिकेट के नए 360 डिग्री प्लेयर का टैग रखने वाले सूर्य कुमार गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने की तरह देखे जाते हैं, जो पल भर में अच्छे अच्छे बॉलरों की लाइन लेंथ की धज्जियां उड़ा देते हैं। आज के समय में T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव एक महंगे ब्रांड की तरह उभरे हैं। उनका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। ग्राउंड का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां स्ट्रोक खेलने में उन्हें कोई दिक्कत हो रही होगी। सूर्य कुमार यादव मैच से पहले अपने माता से बात जरूर करते हैं और उनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं। कहा जाता है कि पिता से ज्यादा वे अपनी माँ से करीब हैं। तो आपका फेवरेट प्लेयर टीम इंडिया में कौन है? क्या आपको सूर्य कुमार यादव पसंद है? तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।